हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जबलपुर से रागनी अरविंद ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो तो पूरा देख लेते हो। तो ये हमारे यहाँ जबलपुर में हनुमान ताल पर ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, वहाँ पर शिवलिंग निर्माण हो रहा है, रुद्राभिषेक, और ये मंगला गौरी पूजन हुआ है मंगलवार के दिन, उसी का ब्लॉग बनाया है। तो बने रहिए साथ में और आप लोग भी भोलेनाथ का अभिषेक और दर्शन करिए। इसके साथ में सूजी महाराज शौनक आदि ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं और यहाँ माँ विंध्यवासिनी धाम पे शिव जी की कथा करा रहे हैं। तो आइए शिव पुराण की कथा को श्रवण करते हैं। बड़े शंकर भगवान की जय। सूजी महाराज से ऋषि उन्होंने कहा, हे सूजी, पर एक महीने तक लगातार सावन के महीने भर शिवलिंग निर्माण होता है और रुद्राभिषेक, और रोज पंडित जी कथा सुनाते हैं। तो ये उसी का वीडियो बनाया है, बने रहिए वीडियो में। जय शिवा ओंकार, जय भोले भोलेनाथ महादेव, हरे धानी धारा ओम, हरे 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 महादेव। ताकि गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिए चरण फूल, हाथ का अक्षत पुष्प गणेश जी और शिव जी पे चढ़ा दीजिए, चौकी पटा हिला दीजिए, चौकी पटा है उसे हिला दीजिए। चावल भी नहीं, नहीं जल, जल, जल और ऐसे नेत्रों से लगा लो। तो आइए आपको दिखाते हैं अब सब लोगों ने कैसे शिवलिंग बनाए हैं, और साथ ही ये यहाँ पर मंगला गौरी की पूजन भी हुई थी। तो मैंने तो पहली बार देखा है, तो आप लोग भी देखिए, ब्लॉग में बने रहिए। Thank you.
और ये मंगला गौरी पूजन हुआ है और सारी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। इसमें पूरा 16 श्रृंगार देवी जी को चढ़ाया है, साड़ी सब कुछ, उसी का ये वीडियो है, देखिए आप लोग भी। और ये सबको चढ़ाने के बाद सबको बांटा गया है, सभी सुहागन स्त्रियों को ये चूड़ी, बिंती, महावर, सब कुछ, मेहंदी और सारी श्रृंगार की सामग्री। और इसके बाद सभी ने फिर शिवलिंग ये देवी जी का मंदिर है, विंध्यवासिनी माता बैठी होंगी। तो आज का ये सावन स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे। हर हर महादेव।